हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कर्मधारय समास का दूसरा भेद, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। आज अपन पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास जिसमें दो पदों के बीच चय का लोप हो। किसका? चय का। चय मीन्स आउर। वह समास जिसमें दो पदों के बीच चय का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका समस्त पद पदों की इसका जो समस्त पद होता है उसमें पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग होता है। जैसे दो पद होते हैं तो द्विवचन का होगा, दो से अधिक पद हैं तो बहुवचन का होगा। तो वह समास जिसमें दो पदों के बीच चय का लोप हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें दोनों पद उभय पद प्रधान होता है। उभय मीन्स होता है दोनों, मतलब इसका पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। उभय पद प्रधान समास होता है द्वंद्व समास। साथ में ही इसका जो समस्त पद होता है उस समस्त पद में पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग किया जाता है। यदि दो पद हैं द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा और दो से अधिक पद हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इसका समास विग्रह करने के लिए, द्वंद्व समास का समास विग्रह करने के लिए प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके, किस विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके प्रत्येक पद के साथ में चेक लिख देते हैं। समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे? प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके प्रत्येक पद के साथ में क्या लिख देंगे? चय लिख देंगे। कैसे? देखिए, जैसे सीता रामव। मैंने क्या बताया बेटे कि इसमें दो पदों के बीच चय का लोप होता है। जब इसको बोलेंगे सीता और राम, और को संस्कृत में क्या लिखते हैं? चय। तो दो पदों के बीच में किसका लोप हो रहा है? चय का। साथ में मैंने ये बताया कि इसके समस्त पद में पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग किया जाता है। बेटे इसमें कितने पद हैं? सीता और राम, दो पद हैं। तो कौन से वचन का प्रयोग कर रखा है? राम में है रामव, द्विवचन। तो इसमें द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। इस समास के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? इत्रेतर, द्वंद्व समास, समाहार, द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इत्रेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इत्रेतर द्वंद्व समास। सबसे पहले पढ़ते हैं इत्रेतर द्वंद्व समास। इत्रेतर द्वंद्व समास वह समास जब दो पदों के बीच चय का लोप हो तथा जिसके समस्त पद में
पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग हो वह इतरेतर द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसका समास विग्रह करने के लिए प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके प्रत्येक पद के साथ में चय लिख दिया जाता है। क्या बताया? वह समास जिसमें दो पदों के बीच चय का लोप हो तथा जिसके समस्त पद में पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग हो वह इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। इसका समास विग्रह करने के लिए प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके और प्रत्येक पद के साथ में ही क्या लिख देते हैं? चय लिख देते हैं। कैसे? देखो, सीता रामव, यहां पर दो पदों के बीच में चय का लोप हो रहा है, साथ में ही समस्त पद में पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। समास विग्रह करने के लिए अपन क्या करेंगे? प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो सीता का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? सीता होता है। और प्रत्येक पद के साथ में ही चय लिखेंगे तो सीता चय, राम है चय, सीता चय राम है चय। इसको अपन सत्व संधि करके रामश्च भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रामश्च, सीता च रामश्च इति। जैसे राधा कृष्णौ, दो पदों के बीच में चय का लोप हो रहा है, पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, राधा चय कृष्णश्च इति। कृष्ण का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कृष्ण है होता है, लेकिन जिस प्रकार रामश्च में सत्व संधि हुई है उसी प्रकार से कृष्ण है प्लस च में भी सत्व संधि हो सकती है, और इसी आधार पर मैंने क्या लिखा है? कृष्णश्च लिखा है। सीता राम लक्ष्मणौ, सीता राम लक्ष्मणः। देखिए बेटे, सीता राम और लक्ष्मण तीन पद हैं और तीनों पदों के बीच में चय का लोप हो रहा है, और साथ में जो समस्त पद हैं उसमें पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग कर रखा है। तीन पद हैं, बहुवचन हो गया, तो लक्ष्मण है लक्ष्मणौ लक्ष्मणः, बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है। तो समास विग्रह करने के लिए वही तरीका, प्रत्येक पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा का, और प्रत्येक पद के हम क्या लिख देंगे? चय लिख देंगे। क्या हो जाएगा बताओ? सीता च रामस च लक्ष्मणस च इति। सीता च रामस च लक्ष्मणस च इति। हरि हरौ, दो पदों के बीच में चय का लोप हो रहा है, दो पद हैं इसलिए समस्त पद में द्विवचन का प्रयोग कर रखा है। समास विग्रह करने के लिए प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हरिश्च हरहच इति। जैसे शिव केशव, शिव और केशव, दो पदों के बीच में चय का लोप हो रहा है, समस्त पद में पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। समास विग्रह करने के लिए प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर देंगे, तो शिव का शिव है, और प्रत्येक पद के साथ में चय लिखेंगे तो यहां पर सत्व संधि होकर क्या बन जाएगा? शिवश्च केशवश्च
इति। माता पितरौ माता और पिता। तो समास विग्रह करने के लिए प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दो और साथ में च लिख दो, माता च पिता च। तो जब दो पदों के बीच में च का लोप हो और समस्त पद में पदों की संख्या के आधार पर वचन का प्रयोग हो तो वहां पर इत्रेतर द्वंद्व समास होता है, और इसका समास विग्रह करने के लिए प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके प्रत्येक पद के साथ में च लिख दिया जाता है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको इसका समस्त पद किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए बेटा, अपन जैसे इसी उदाहरण को ले लेते हैं, माता च पिता च को। इसका समस्त पद बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जहां पर च लिखा हुआ है उसको हटा देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और पदों की संख्या के आधार पर उत्तर पद में वचन का प्रयोग कर देंगे। तो जैसे दो पद है माता और पिता, माता और पिता, तो पिता शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होता है, पिता पितरौ, क्या होता है पितरौ, तो क्या हो जाएगा माता पितरौ। इस प्रकार से अपन समस्त पद बनाएंगे। ये था आपका इत्रेतर द्वंद्व समास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।